अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी शाही पुलाव। सो वेलकम टू आवर चैनल। शाही पुलाव और मटन कोरमे का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। मटन कोरमे की रेसिपी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमें शाही पुलाव बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम बासमती चावल। आप अपने चॉइस का नॉर्मल चावल भी ले सकते हैं। चावल को अच्छी तरह से धो लें और 30 मिनट के लिए भिगो लें। मैं इस रेसिपी में ऑयल और बटर दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें चाहिए 3 टीस्पून बटर, ऑयल 3 टेबलस्पून, इलायची 2, दालचीनी आधा इंच, लौंग 3, शाही जीरा 2 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, ऑनियन 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, हरी मिर्च 2, लहसुन अदरक और धनिया पत्ते का पेस्ट 3 टीस्पून, काजू घी में तले हुए थोड़े, तली हुई प्याज आधा कप, पुदीना 1 छोटा कप, धनिया पत्ता चॉप किया हुआ आधा कप। अब स्टोव ऑन करके पैन या भगोना ले लें। मीडियम फ्लेम पर इसमें ऑयल और बटर दोनों को ऐड करें। इस रेसिपी में मैं आगे जाके शुगर ऐड करने वाली हूँ, जिससे इस चावल एकदम मीठे नहीं होंगे, बिल्कुल बढ़िया सा टेस्ट आएगा। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। अब यहाँ पे बटर मेल्ट हो चुका है और ऑयल भी गर्म, तो इसमें डालें गरम मसाला, इनको लो कर दें। अब इसमें ऐड करें शाह जीरा, शाह जीरा के पकने के बाद अब इसमें हम लोग शुगर ऐड करेंगे। फ्लेम को लो रखिए, शुगर मेल्ट होकर कलर चेंज करेगी, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। शुगर कैरमलाइज हो चुकी है, तो इसमें अब ऐड करें ऑनियन और हरी मिर्च। सारी शुगर जो कैरमलाइज हुई है वो अच्छे से ऑनियन पर कोट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाली है, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तक ऑनियन पकती है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऑनियन के थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसमें लहसुन अदरक और धनिया पत्ते का पेस्ट ऐड करें। इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तल लें। क्या खतरनाक खुशबू आ रही है, ये हमारे फरहान को इस मसाले की खुशबू बहुत पसंद आती है। तो मसालों के तलने के बाद इसमें पुदीना ऐड करें और धनिया पत्ता भी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर मीडियम फ्लेम पे तल लें। अब इसमें नमक ऐड करें, इसको एक और बार मिक्स कर इसमें चावल से डबल पानी लें। जैसे यहां पे मैंने लिया है 400 ग्राम चावल, तो मैंने 800 ml पानी डाला है। इसे ढककर पानी में उबाल आए तक पका लें। पानी में उबाल आ चुका है, तो भिगोए हुए चावल ऐड करें। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चावल में पानी कम हो चुका है और चावल भी ऑलमोस्ट बन गए हैं। अब फ्लेम को लो कर लें और एक कप में थोड़ा सा पानी और ऑरेंज फूड कलर लें। अगर आपके पास केसर हो तो उसे जरूर यूज करें, इससे टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। कलर वाला पानी चावल में ऐड करें, कवर कर 4 से 5 मिनट तक दम कर लें। टेस्टी गर्मा गर्म शाही पुलाव रेडी है, आप भी बनाएं और मजे करें। इस वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसे फ्राइड ऑनियंस, काजू, चॉप्ड धनिया और पुदीने से गार्निश करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।